Hey guys, assalamu alaikum. Welcome or welcome back to my YouTube channel Takira Shay Vlogs. So it's a random Sunday vlog. मुझे एक दो छोटे छोटे काम है और मैंने सोचा ऐसी vlogging क्यों ना start की जाए. तो it's Sunday afternoon. बहुत late उठी हूँ मैं क्योंकि हम लोग कल गए थे डीमार्ट, फिर आके सामान वगैरह रखना है. बहुत late हो गया, बहुत लेट सोए हम लोग. और अभी यहाँ पे मुझे गोदरी वगैरह भी घड़ी करनी हो, बाद में करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं. मम्मी ने बनाया है चिकन का ग्रेवी और चावल. मैं आपको बताऊं, यहाँ पे चिकन की ग्रेवी और चावल. सो गाइस, लंच करके मैंने शावर ले लिया है और चेंज कर लिया है. मैं भी होने जा रही हूँ रेडी, क्योंकि मैं जा रही हूँ शायना दीदी के घर. और वो किस लिए जा रही हूँ वो आपको वही जाके पता चलेगा. और देखिए, ये अभी तक मेरा 19 हम लोग ने निकाला नहीं है, क्योंकि बस ऐसे ही. तो चलिए अब चलते हैं शायना दीदी के घर, पहले रेडी होते हैं फिर चलते हैं. लेट्स गो. ओके सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी अच्छे से और अभी 6 भी बज गए, तो चलिए चलते हैं. एंड गाइस, मैं आ चुकी हूँ. दीदी को मैसेज किया था कि आई एम कमिंग, चलो अभी चले अंदर. अजान हो रही है, मैं तो लूंगी. इधर ही रुको. ठीक है, अच्छा ये थोड़ा. गाइस, दीदी ने मुझे घर के बाहर निकाल दिया है, मतलब रुकने बोला है. पता नहीं व्हाट इज शी डूइंग, देखते थोड़ा वेट कर लेते बोला है तो. ओके, तो हम लोग को बुला लिया है. ओ माय गॉड, हमारे लिए छोटू सा प्यारा सा सरप्राइज. क्या क्या क्या? गुलाबों के लिए गुलाब. गाइस कितना क्यूट केक है, देखिए गाइस. एंड सम रोजेस. थैंक यू. अरे वाह, शी नोस के मुझे बहुत अच्छा लगता है. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Tokira, happy birthday to you. Yeah. Ah. खाओ फिर से. thank you so much. And guys, यहाँ पे मेरा गिफ्ट है, जो कि मैंने आपको बोला है कि सारे गिफ्ट्स को एक साथ बाद में रिवील किया जाएगा एक स्पेसिफिक वीडियो में. सो गाइस, दिस वाज स्वीट लिटिल सरप्राइज फ्रॉम शायना दी. और ऑब्वियसली अ स्पेशल थैंक्स टू हर, वीडियो में भी बोल देंगे, पर्सनली बोल दिया. एंड ये गिफ्ट भी है, वो आपको बाद में बताऊंगी मैं. और अभी हम लोग थोड़ा गॉसिप करते हैं, इन्जॉय करते हैं, आपसे बाद में मिलते हैं. एंड गाइस देखिए, नानी ने टेस्टी सा चिकन फ्राई और कोकोनट चटनी बनाई थी, जो हम लोग पाव चीज़ और थम्स अप के साथ इन्जॉय कर रहे थे. बहुत ही टेस्टी बना था. अभी अभी शायना दीदी यहाँ पे वेजीज कट करने बैठ चुके हैं, क्योंकि अभी हम लोग बनाएंगे, हम लोग नहीं नानू बनाएगी. मैं अभी आज आप लोग को अच्छे से फुल रेसिपी बताती हूँ नानू के नूडल्स की. और यहाँ पे ग्रीन अनियन, कैप्सिकम है, और यहाँ पे गार्लिक भी अच्छे से पील करके रखे हुए हैं नानी ने. और यहाँ पे दीदी काम पे लग चुकी है. सो गाइस, नानू यहाँ पे किचन पे आ गए. एंड पैन में सबसे पहले ऑयल डाल दिया है नानू ने. और नानू आप ही आगे का वॉइस ओवर करिए, मैं नहीं बोलूंगी. मेरा अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैंने पैन में तेल डाल दिया. और यहाँ पे एग्स. हाँ
और अभी नानो ने एग के बाद तुरंत ही डाल दी है कैप्सिकम। वो कभी कम डाल दिया, अभी काफी ज्यादा डालूंगा। कैप्सिकम डाला है, ग्रीन चिली और जिंजर इसमें थोड़ी सी, वो तीखा खाने वाली थोड़ा। हाँ थोड़ा स्पाइसी, एकदम कस्टमाइज करके हम लोग को मिलेगी हमारे नूडल्स। और अभी इसमें नानू ने चॉप्ड गार्लिक डाल दिए, चाइनीज वाले के पास प्लेट बड़ा होता है तो फटाफट एक आती है, हमारे लिए थोड़ा टाइम लगेगा ठीक है, हमारे गेस्ट का फ्लेम छोटा है। यस नूडल्स है, बॉयल नूडल्स ब्लैक। अब इसमें नानू ने ब्लैक पेपर डाल दिए और अब क्या डाल रहे हो? सॉल्ट। अच्छा अजीनोमोटो। यहाँ पे सॉल्ट, गाइस मुझे तो पहले से पता है कि टेस्टी बनने वाला है, आप लोग भी नानू जैसा बना रहे वैसा आप लोग बना के ट्राई करना। अब इसमें थोड़ा सा ही सोया सॉस डाला एकदम कम अमाउंट में, ये ग्रीन अनियन, अभी इसके अंदर बॉइल्ड चिकन डाल रहे हैं, वापस से ग्रीन अनियन थोड़े और, अच्छा सा गुड मिक्स। एंड देखिए गाइस हमारे नूडल्स रेडी है, कितने टेम्पटिंग और अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे हमारे शेफ नानू, गाइस मैं आप लोग को टेस्ट कर भी बता देती हूँ यहीं पे, क्योंकि मैं किचन में ही खड़े रह के आपको बता रही हूँ कि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है, इसके लिए पहले आप लोग को टेस्ट करके बता दूँ, उस बाद में फ़ोन चार्ज पे रख लेंगे। एज यूजुअल गाइस बोला था आपको बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत ही अच्छा बना है। अभी हम लोग जल्दी जल्दी से खाते हैं, इंजॉय करते हैं साथ में। दीदी हमारा थम्स अप निकाल लो और आपसे बाद में मिलते हैं। आज घर पे बना है पाए का सालन, जो मम्मी इन लोग सब खाएंगे, मैं तो वैसे भी खाती नहीं हूँ और मैं खा कर भी आई हूँ। ये देखिए ये यहीं पे खड़ा है, खाना भी चालू हो गया है इसका।